वक्त ये चाहिए कि पीटीआई के कारकुनान को पुरअमन इत्तेजाज करने दे। क्यों? हमारे मुल्क पर इनका कब्जा है, हम यहाँ अपना कब्जा छुड़ाने आए हैं। आओ यहाँ और लड़ो इनसे। इस वक्त तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान अगर बचाना है तो इनसे आजादी, अगर इनसे तुम आजादी ना हासिल कर सके तो याद रखना पाकिस्तान ही बचेगा। हकीकी आजादी ये शेलिंग तो कोई चीज ही नहीं है। आखिर कादी नंबर 804 कहाँ पे बैठा हुआ है? वो हमारे लिए बैठा हुआ है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि बाहर एक घंटे के लिए निकल आए? ये तो हमारा हक बनता है ना। तो इन्होंने क्यों कंटेनर लगाए हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और डबल कंटेनर, ये जब भी कंटेनर लगाते हैं जलसा तो हम उस दिन लियाकत बाग में भी कर देंगे। और अब भी गए, मैं अब हज़ारा से आई हूँ, ये मेरा भांजा मेरे साथ है, हज़ारा से हम आए, हम बाइक पे आए हैं यहाँ पे, तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बस बचते बचाते जैसे आप लोग हैं, हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा, दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, हमने उसको रिहा करा के दम लेना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। उधर दिखाएं जी, शदीद चैलेंज हो रही है इस वक्त, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो गया है जी, पुलिस मौजूद है और ब्रिज के ऊपर से जी शैलिंग की जा रही है, आपको दिखा रहे हैं जी, देख सकते हैं वो पुलिस मौजूद है और ऊपर से शैलिंग की जा रही है। दूसरी जानब दिखाए जी, इधर दिखाए जी, कारकुनान मौजूद है, कारकुनान मौजूद हैं और दूसरी जानब शदीद शैलिंग है। यजीद के पैरोकार हैं ये। क्या कहना चाहेंगे सर? आप देख रहे हैं पुरअमन और नहते कारकुनान पर शैलिंग की जा रही है, रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही है। लेकिन इससे खतरनाक बात यह है कि आज मुझे हुकूमत के तेवर, उसके इरादे कुछ अलग से नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्यों मुझे इतनी उनसे नफरत नहीं जितनी इस धरती से मोहब्बत है। मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर तुमने दोबारा से 9 मई करने की कोशिश की तो यकीन कर लो मेरे अल्फाज संभाल के रखना, इस मुल्क में फिर संभालने वाला कोई नहीं होगा, फिर चीजों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, हर चीज कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इनको इस वक्त ये चाहिए कि पीटीआई के कारकुनान को पुरअमन इत्तेजाज करने दे। क्यों? हमारे मुल्क पर इनका कब्जा है, हम यहाँ अपना कब्जा छुड़ाने आए हैं, क्यों ना आए जब हम जानते हैं। शैलिंग के बाइस यहाँ पर जो है वो सांस तक लेना मुश्किल हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं कारकुनान किस कदर यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं उधर दिखाएं जी, पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की जा रही है, पुल के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है और मुसलसल जो है वो शेलिंग यहाँ पर की जा रही है। दूसरी जानिब कारकुनान जो है वो यहाँ पर डटे और खड़े हैं और मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे भाई जान? भाई हम आगे जाएंगे, चाहे हमें 3 दिन भी लगे, हम आगे जाएंगे और हम असेंबली जलाएंगे। असेंबली ना जले तो फिर बता, इसमें दो नंबर लोग बैठे हैं असेंबली में, जिन लोगों ने बैठाया है वो भी है। आप जज्बात देख सकते हैं, क्या कहेंगे जी? हम आगे जाएंगे हर हाल में, आगे जाएंगे जी हर हाल में। आपको यहाँ पर फैजाबाद के मनाजिर दिखा रहे हैं, ये कारकुनान डी चौक की तरफ रवा दवा है और देख सकते हैं जी इस वक्त नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं जी। एक बात कहना चाहता हूँ के देखें जो लोग घरों में बैठे हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो ट्विटर पर बैठकर उस पे व्हाट्सएप पे बैठ के हम लोगों को पाकिस्तानियों को बुजदिल कहते हैं, ये है मेरे पाकिस्तानी, ये मेरे बहादुर जवान, देखो इनको बुजदिल हो, ये तन्हा लड़ रहे हैं, कितनी तादाद है फिर भी भाग नहीं रहे, तुम्हारी तरह बीवियों के आंचल में छुपे हुए नहीं है। आओ यहाँ और लड़ो इनसे। इस वक्त तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान अगर बचाना है तो इनसे आजादी, अगर इनसे तुम आजादी ना हासिल कर सके तो याद रखना पाकिस्तान ही बचेगा। आप देखें इंतजार की एक फजा फैला रहे हैं, वो केपी का वज़ीर आला, मुझे बताएं अगर उसको कुछ हो गया, खुदा ना हास्ता अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे ये बताएं कि केपी क्या करेगा, ये क्या चाहते हैं, मेरे वतन को क्या बनाना चाहते हैं? इसकी तमाम इकाइयां इससे लड़े नहीं,
मैं इनको ऐसा करना नहीं दूंगा। और मैं अली मीन गंडापुर को भी कहूंगा कि अली मीन ये तुम्हारे ऊपर इम्तिहान का वक्त है, जो मर्जी हो जाए जरा भी बोलते वक्त सोच समझ के बोलना, क्योंकि हम पंजाबी हैं लेकिन तुम्हारे साथ। जी ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर खवातीन भी पहुंची है जब, आप देख सकते हैं यहाँ पर कारकुनान मौजूद है और दूसरी जानिब इस्लामा पुलिस की जानिब से शैलिंग की जा रही है। माँ जी क्या कर रही है यहाँ पर? मैं आपके साथ शैलिंग हो रही है, हकीकी आजादी, ये शैलिंग तो कोई चीज ही नहीं है। आखिर कादी नंबर 804 कहाँ पे बैठा हुआ है? वो हमारे लिए बैठा हुआ है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि बाहर एक घंटे के लिए निकल आए? ये तो हमारा हक बनता है ना, तो इन्होंने क्यों कंटेनर लगाए हुए हैं मुझे तो ये समझ नहीं आती। और डबल कंटेनर, ये जब भी कंटेनर लगाते हैं जलसा तो हम उसी लियाकतबाग में भी कर गएंगे। और अब भी गए, मैं अब हज़ारा से आई हूँ, ये मेरा भांजा मेरे साथ है, हज़ारा से हम आए, हम बाइक पे आए हैं, यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बस बचते बचाते जैसे आप लोग हैं हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा, दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, हमने उसको रिहा करा के दम लेना है और इंशाल्लाह लजीज़ हमारी हुकूमत होगी अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और डी चौक की जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनान दबा दबा है शदीद चैलेंज के बावजूद। क्या कहेंगे भाईजान, चैलेंज हो रही है पुलिस की जानिब से, क्या कहेंगे? जो कुछ मर्जी करे आज हमने डी चौक खान साहब के कल पे पहुंचना है, चाहे जो कुछ मर्जी ये करे। कोई डर खौफ नहीं है गिरफ्तारियों का? किसी चीज का भी खौफ नहीं है, वो फायर मारेंगे सीधे, जो कुछ मर्जी मारे हमने नहीं डरना। ये पाकिस्तानी कौम नहीं डरती है किसी से भी, ये जिनके नहीं डरेंगे नहीं डरते, जिनके ये गुलाम है उनसे भी नहीं डरेंगे। जी आए जी, दिखाएं जी, देखें जी आप उस तरफ, देखें जी उस तरफ, देखें जी शैलिंग 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 हो रही है जी, आप देख सकते हैं जी निहत्ती। बताओ प्लीज आपकी आदत का बताएं, आमिर मुगल किधर है? आमिर मुगल आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ के जितने भी ये एरियाज है इनको आप लो और इन सारों को यहाँ पर निकालो। आवाम मौजूद है, क़यादत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जिनसे भी मेरी बात हुई है वो क़यादत का कह रहा है। शरिया रियाज कहाँ पर है? मैंने 56 से आपको टिकट दिया। समिया ताहिर किधर है? कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। और शोएब शाहीन किधर है? सारे आलिया मीन गंडापुर का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको चाहिए कि आप यहाँ से। देखें जी यहाँ पर सख्त इंस्ट्रक्शन की गई थी कि जब तक आलिया मीन गंडापुर यहाँ डी चौक नहीं पहुंचेगा यहाँ की क़यादत जो है वो मैदान अमल में रहेगी और एहतजाज करती रहेगी, पुलिस का मुकाबला करती रहेगी। लेकिन देख रहे हैं कि इस वक्त कारकुनान तो डटे हैं लेकिन लीडरशिप में से कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं जी शैलिंग 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 के बावजूद यहाँ पर कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस फस्तायत का, इस जुल्मो जबर का, इस करप्ट निजाम का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस देख सकते हैं जी उधर मौजूद है, उधर पुल पर पुलिस मौजूद है, वहां से शैलिंग की जाती है और देख सकते हैं यहाँ पर कारकुनान किस कदर इनका जोश और जज्बा है। अब देख सकते हैं कि पुलिस को जो है वो बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आगे हमें पकड़े, और दूसरी जानिब सवार पुलिस मौजूद है और वो देखें जी, वो देखें वो शैल आया जी, वो वहां से शैल मारे जा रहे हैं कारकुनान को जी। आगे और दिखाए जी, ये देखें जी, ये आया जी, ये गिरा निकलेंगे जी, शैल चल आ रहे हैं जी।